Assalamualaikum everyone, मैं मोहसिन अब्बास हैदर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज का जो सफर है ये है कराची से फैसलाबाद की जानिब, और मकसद है ईद की छुट्टियां। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे बाय रोड ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। सो मैं चल पड़ा हूँ और 14 घंटे और 13 मिनट का ये सफर है और इसमें आप मेरे हम सफर रहेंगे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी, ऐसा मैं पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगिया भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। रुम तुम ताना नरत तुम ताना न, रुम तुम ताना नरत तुम ताना, रुम तुम ताना नरत तुम ताना न भैया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कैमरे की आंख इंसाफ कर पाएगी या नहीं, लेकिन इन्हीं खूबसूरत मनाजिर के लिए मैं बाय रोड ट्रैवल करता हूँ। बहुत खूबसूरत है हमारा मुल्क, ब्यूटिफुल। अच्छा, नॉर्मली मैं बिल्कुल स्टे नहीं करता रास्ते में, सिर्फ मैं गैस स्टेशन पर रुकता हूँ और टंकी फुल करवाता हूँ और चल पड़ता हूँ। तो मेरा और मैप का मुकाबला रहता है हमेशा, और मैं अभी तक तो मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि मैं मैप को मात दे देता हूँ। सो लेट्स सी कि आज कौन जीतता है, मैप या मैं। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बहुत से दोस्त अहबाब मुझसे पूछा करते हैं कि आप अकेले सफर कैसे कर लेते हैं इतना तवील। मुश्किल है, फिर वो चाहे जिंदगी का सफर हो, चाहे एक शहर से दूसरे शहर का। तन्हा सफर करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझ जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के लिए कभी कभी बड़ा हसीन भी होता है। मुश्किल रास्ते होते हैं, नशे वो फराज आते हैं, मोड़ आते हैं, लेकिन कमाल तो यही है कि हम उन्हें खुश सलूकी से पार करते चले जाएं, हिम्मत से, हौसले से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छा हम सफर आपके सफर को चार चांद लगा देता है, उसे हसीन बना देता है, उसे आसान बना देता है। लेकिन कमबख्त यही तो मुसीबत है कि एक अच्छा हम सफर ढूंढना या मिल जाना किस्मत से मुश्किल। हम सुखन, हम राज, और जिसे आप सोलमेट कहते हैं, मुश्किल मरहला है। मालिक जरूर अता करे, सबको अता करे, सबका सफर हसीन रहे। बट तब तक दिल बर्दाश्ता नहीं होना, तब तक तन्हा एंजॉय कीजिए, अपने साथ एंजॉय कीजिए, अपने दोस्त बनिए, अपने हम सफर बनिए, अपने हम सुखन बनिए, और अपनी कंपनी को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखिए, आपके पास मोहब्बत होगी तभी तो आप दूसरे को दे पाएंगे। रास्ते में जब भी टोल प्लाजा आता है और वो आपको बकाया रकम देते हैं, तो मैं वो लेने के बाद हमेशा वो नोट जब भी थामता हूँ तो मैं हैंड सैनिटाइज जरूर करता हूँ। आप भी किया कीजिए, क्योंकि नोट एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जर्म कैरी करता है। सो प्लीज जस्ट बी केयरफुल, मनुष्यात से बचें। यस प्लीज, से नो टू ड्रग्स गाइस। इस सफर की एक और बहुत अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि चूंकि ये सफर काफी तवील होता है, तो इसमें तख्लीकी काम भी बहुत जारी रहता है मेरा। बहुत सी चीजों की आमद होती है, धुनें बनती हैं और शायरी होती है। खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जमी पे ना सही
तू आसमां पे आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं खानोट से। वैसे मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि ये इतने इंटरेस्टिंग नाम कौन रखता है इन जगहों के। सफर की तवालत को मद्देनजर रखते हुए मैं रास्ते में बहुत सी जगहों पर नहीं रुक पाऊंगा और आपको बहुत सी चीजें हैं जो नहीं दिखा पाऊंगा रुक रुक कर, लेकिन वो मैं यकीनन अपने दिल और आंखों में बसा कर ले चलूंगा अपने साथ, अपनी यादों का हिस्सा बनाऊंगा उन्हें। उन्हीं में से यहाँ पर रास्ते में बहुत खूबसूरत छोटी छोटी मस्जिद भी आती हैं, कच्ची मस्जिद, और इन कच्ची मस्जिदों के नमाजी बड़े पक्के होते हैं। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। जू जू आप अंदरून सिंध की जानिब बढ़ते जाते हैं तो दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे जब मैं निकला था कराची से तो उस वक्त 23-25 था और इस वक्त जो है बढ़कर 33 हो चुका है, जो कि मजीद बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे एक होटल आता है सुपर मदीना के नाम से। आई डोंट नो आप उसका बोर्ड देख पा रहे हैं या नहीं, मगर चूंकि अभी रमजान है तो मैं वहां पर यकीनन नहीं रुकूंगा और मैं यहां से अपना रास्ता जो है वो बदल लूंगा और सुपर मदीना को मैं आज इग्नोर कर दूंगा। अब एक नजर इन खेतों पर डालिए कि जिन्हें कितनी मुशक्कत और मोहब्बत से सींचा है हमारे किसान भाइयों ने और बहनों ने मिलकर, ऑफ कोर्स, ताकि हमारे बर्तनों तक खाना पहुंच सके। सो इनका भी शुक्रिया। और इन खेतों में फसल और रिस्क उतारने वाले का भी शुक्रिया। वो है ना कि माली दा कम पानी पाना, पर मशका पावे, मालक दा कम बूटा लाना, लावे या ना लावे। खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो ठीक हुआ, इतने अहबाब कहां हमसे संभाले जाते। मेरा कोई भी सफर मुशायरा सुने बगैर मुकम्मल नहीं होता। ऐसा ही एक सफर था कराची से फैसलाबाद का, और उसमें मैं एक मौजूदा दौर के बहुत मंझे हुए और सुलझे हुए शायर को सुन रहा था कि जिनका नाम है उमेर नजमी साहब। मेरे पसंदीदा शायर हैं और उनकी मैं एक गजल सुन रहा था, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अब मैं ये सुनता हुआ जा रहा था तो ऐसे गुनगुनाने लगा, इसको एक धुन बनने लगी इसकी। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे ही उनसे रابطہ किया और उनसे रابطہ करने के बाद मैंने उनसे इजाज़त तलब की कि क्या मैं इसे कंपोज कर सकता हूँ और क्या मैं इसे गीत की शक्ल दे सकता हूँ, गज़ल की शक्ल दे सकता हूँ, और उन्होंने बखुशी इजाज़त दी। और मुझे ये भी आश्कार हुआ कि मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं, दो तरफ़ा है। तो वो रابطہ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है और अभी भी मैं उन्हीं के अशआर सुनता हुआ जा रहा हूँ। सोचा आपसे ये भी शेयर करूँ कि ये जो गीत है, ये जो गज़ल है मेरी बिछड़ गए, ये उमेर नजमी साहब की लिखी हुई और ये इस तरह रास्ते में ही कंपोज हुई थी एक दिन। इस रास्ते पर ये अक्सर कुछ दुकानें होती हैं जहाँ पर ये चमकीले डिब्बे होते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इन डिब्बों में होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं रास्ते में रुकता नहीं हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जानता। पसंद सजना दी मुल्तान सखर मोटरवे, सखर है 45 किलोमीटर, बस हम गोया पहुंचने को ही है। और फाइनली सखर तक का सफ़र जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचने को है और बस ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूं सखर। और अब जो आगे का सफ़र है वो बाकी रह गया है तकरीबन 7 घंटे का। सो इसके बाद मोटरवे शुरू हो जाएगी और वो एक कंपैरेटिवली आसान और पुरसकून सफ़र है। सो फाइनली मैं सखर पहुंच चुका हूं और अब मैं यहां पर थोड़ा सा फ्रेश हूँगा
मुंह हाथ धोऊंगा ताकि थोड़ी सी होश आए मुझे क्योंकि नींद से अब आंखें जो है वो बोझल होने वाली हैं। सो अगले सफर के लिए थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। ये सक्खर का मशहूर स्टॉप है जहाँ से हम पेट्रोल भी लेते हैं। इस वक्त ये जो रेस्टोरेंट है ये बंद है क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, वरना आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है। और फाइनली वो सफर शुरू हो गया जिसका मुझे इंतजार था, मेरा पसंदीदा सफर, मोटरवे का सफर। मोटरवे पे सब अच्छा है सिवाय इसके कि यहाँ पर नींद आना शुरू हो जाती है। I'm so sleepy right now। दौरान सफर अगर कभी भी आपको नींद महसूस होना शुरू हो जाए तो उसको कभी भी लाइट मत कीजिएगा। टेक इट सीरियस एंड टेक अ नैप। रास्ते में कयामत आम आते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं आप, आरामगाह आती है वहाँ रुक सकते हैं आप, वहाँ पे एक छोटा सा पावर नैप लीजिए और फिर अपने सफर को कंटिन्यू कीजिए जैसे अब मैं कर रहा हूँ। एक 15 मिनट का नैप एंड आई एम रेडी टू गो। इंसान को नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी में कब कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप सुबह घर से निकलते हैं, दोपहर में आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो आप रात को वो शख्स नहीं रहते जो सुबह घर से निकला था, आप में एक तब्दीली रूनमा हो चुकी होती है। तो गोया आप नहीं जानते कि खुदाए बुजुर्ग बरतर कब आपकी जात की पाकिजगी का सफर शुरू कर दे। उडीजा में एक मिसरा था ना कि वॉकर अंदरों मार ओ बंदिया, तो वो अंदर से झाड़ू लगने का प्रोसेस कब शुरू कर दें, किस उम्र में कर दें, किस वक्त कर दें, आपको नहीं पता चलता। तो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो बहुत पुरानी है जाहिर है, लेकिन कुछ अरसे से एक ख्वाहिश दिल में पनप रही है और वो ये है कि मुझे भरोसे हश अपनी माँ के दुआओं के सदके, आप सबकी किसी चाहने वाले की दुआ लग गई, मेरी किसी अच्छी हरकत के सदके और मेरी बुराइयों की माफ़ी अगर मौला कर दें अपने रहमान और रहीम होने के सदके, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, और अगर मैं उस नहज तक पहुंच जाऊं कि जहां पर खुदा मुझसे ये सवाल करें कि क्या चाहिए तुम्हें, तो मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के गले लगने की ख्वाहिश रखता हूं। मैं चाहूंगा कि मैं उनके गले लग जाऊं एक बार, मेरा उनसे इतना इश्क है। तो फिर मैं सोचा करता हूं कि वो जो जफ्फी है, वो जो गले लगना है मौला अब्बास को, वो इतना आसान तो नहीं होगा, वो इस नापाकी के साथ तो नहीं होगा, वो इस रूह की गंदगी के साथ तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वो जो एक पाकीजगी का अमल है उससे गुजरना बहुत जरूरी है। तो वो जो एक गले लगना है, वो जो जब्बी है, वो तो अर्न करनी पड़ेगी, वो ऐसे ही प्लेट में नहीं मिलेगी। तो वो अर्न करने के लिए जो कुर्बानियां हैं, जो पाकीजगी का एक प्रोसेस है, जो सख्तियां हैं, उसकी तैयारी है। और फाइनली फैसलाबाद में दाखिल होने जा रहा हूं मैं, और अभी घर का रास्ता बाकी है, लेकिन मैंने अपना सफर जो है वो मैप को हराते हुए 45 मिनट पहले खत्म कर लिया है और मैं फैसलाबाद में दाखिल हो चुका हूँ। तो एक बार फिर मैंने इसे मात दे दी। फाइनली मैं अपने शहर पहुंच चुका हूँ फैसलाबाद, और ईद की छुट्टियां मनाने के बाद फौरन वापस जाना है क्योंकि शूट शुरू हो जाएगी फिर से हमारी और फिर हम परदेसी हो जाएंगे। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, ईद मनाइए अच्छे से। दादल फिल्म ईद पर आ रही है, वो ज़रूर देखिएगा, सिनेमा जाइए, अपनी ईदी से थोड़े से पैसे हम पे लुटाइए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह फिल्म पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। खुदा हाफिज़।